प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सैफई में मतदान किया। मतदान के बाद शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं। उन्होंने मतदान किन मुद्दों पर किया, इस पर शिवपाल ने कहा कि मतदान तो गुप्त होता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने शनिवार को अजान विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शहर के बीचों बीच मस्जिद पर बहुत बड़ा माइक लगाकर जो अजान का प्रावधान रखा गया है वह सर्वदा अनुचित है। बता दें कि नगर पालिका परिषद में बने मतदान केंद्र पर एमएलसी चुनाव के अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी सभी सीटें जीत रही है। गोरखनाथ मंदिर में तैनात सिपाहियों पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी आईएसआईएस कैंप की एक युवती के संपर्क में था। वह युवती से ही ईमेल के माध्यम से संपर्क में आया था। पूछताछ में ये पता चला है कि मुर्तजा ने युवती के बताए अकाउंट में कई बार रुपए भेजे थे। सूत्रों के अनुसार मुर्तजा आईएसआईएस में जाने की तैयारी कर रहा था। जानकारी के मुताबिक एटीएस की पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि आईएसआईएस कैंप से एक युवती ने उसे मेल किया था। युवती ने अपनी फोटो उसे भेजा और भारत आने पर मिलने का वादा भी किया। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने वाले ज्यादातर प्रत्याशियों को इस बार खूब मेहनत करनी पड़ी है। आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। नेताओं का लेखा जोखा तैयार करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की है। इससे मालूम चला है कि 2017 के मुकाबले इस बार 4% अधिक वोट पाने के बाद भी ज्यादातर प्रत्याशियों की जीत हुई है। यूपी की जेलों में बंदियों का व्यवहार और मनोदशा बदलने के लिए महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का पाठ शुक्रवार से शुरू करा दिया गया है। सुबह की दिनचर्या शुरू होने से पहले और शाम को सोने से पहले पब्लिक एड्रेस सिस्टम से पाठ सुनाया जा रहा है। इससे बंदी भी आनंदित होने लगे हैं। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण में अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह और अन्य के मामले में अदालत ने सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को हाजिर होने के लिए दूसरा नोटिस भेजा है। केस में अन्य प्रतिवादी हाजिर हो चुके हैं। अदालत ने शैलेंद्र सिंह के साथ नारायणी सेना के केस के वाद में सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख तय की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरुखाबाद के पीडब्ल्यूडी ठेकेदार शमीम हत्याकांड के आरोपित बसपा नेता अनुपम दुबे को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह की पीठ ने की है। फरुखाबाद के ठेकेदार शमीम की हत्या का केस फतेहगढ़ थाने में दर्ज था। साल 1995 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शमीम ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी। यूपी विधान परिषद में मतदान करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 दशक बाद यूपी विधान परिषद में सत्ताधारी दल को प्रचंड बहुमत मिलेगा। स्थानीय निकाय प्राधिकारी क्षेत्रों से विधान परिषद की 36 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। विधान परिषद में विकास और लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को सपा अवरुद्ध करती थी। यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए आज वोटिंग हो रही है। 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचित क्षेत्रों के लिए मतदान चल रहा है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और समाजवादी के बीच सीधा मुकाबला है। यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए वोटिंग जारी है। 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दोपहर 2 बजे तक तकरीबन 90.42% मतदान हो गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 5 विभागों को शुक्रवार को 48 नए शिक्षक मिल गए हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शुक्रवार को भी कार्य परिषद की बैठकों में शिक्षकों के चयन पर अंतिम मुहर लगाई गई है। बता दें कि इस विषय में साक्षात्कार से संबंधित मामला हाईकोर्ट में है। तय हुआ है कि कोर्ट का आदेश आने के बाद ही लिफाफा खोला जाएगा। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।